मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने मैदान संभाल लिया है और प्रत्याशियों के चयन से लेकर बूथ स्तर तक जीत की रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में हमारे महू सहयोगी सुनील काले ने इंदौर जिले की महू विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंतर सिंह दरबार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चुनाव को लेकर मऊ के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार की क्या योजना है त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच को लेकर मऊ के पूर्व विधायक की क्या तैयारी है, आइए चर्चा करते हैं अंतर सिंह दरबार से। दरबार साहब, आपकी आगामी योजना चुनाव को लेकर आपके सामने ही है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया और साथ में नगरीय निकाय का भी चुनाव का बिगुल बज गया है। अभी 6 तारीख तक पंचायतों के फॉर्म भरा रहे हैं, 7 तारीख को जांच है, उसके बाद फॉर्म उठेंगे। उसके बीच में ही जब ये चुनाव घोषित हो गए तो हमने आज ही ये तुरंत मीटिंग बुला ली है। पर्यवेक्षक भी हमारे जो भोपाल से नियुक्त हैं अभय वर्मा जी, वो भी आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष आ रहे हैं और पूरी तन्मयता से हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक एक नाम ही वार्ड से आए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत सके, उसी में हमको अध्यक्ष में उसका फ़ायदा होगा। क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप चुनाव? भयंकर भ्रष्टाचार नंबर एक, जबरदस्त कर लगा दिए गए हैं। 50 रुपये थे नल कनेक्शन के, उसके वहाँ उन्होंने 200 रुपये कर दिए गए हैं। तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी में, नर्मदा के पानी में गंदा पानी जा रहा है तालाब का, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। समस्याओं का अंबार है, एक समस्या हो तो गिनाए। और आगे क्या योजना रहेगी? और हम इस बार हमारा स्वच्छ प्रशासन देना है, लोगों का मान सम्मान वहाँ पर रहे। वहाँ लोगों से आबे तबे से बात होती है, लोगों का मान सम्मान नहीं होता है। एक अच्छा पारदर्शी स्थानीय सरकार बनाकर जनता को देंगे। क्या दरबार साहब, गांव की सरकार से ही प्रदेश सरकार का रास्ता खुलेगा? निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का भी रास्ता खुलेगा। प्रदेश सरकार का तो रास्ता हमारा खुला हुआ है, खुल गया था, परंतु इन्होंने एक तरह से प्रजातंत्र का चीर हरण करके इन्होंने सरकार बनाई है। शिवराज सिंह चौहान को तो नकार चुकी थी जनता, उन्होंने विधायकों को, मंत्रियों को जो है वो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। इसको सरकार नहीं कहते।